अच्छा फुल गारंटी ले रहे हो? अगर 10 लीटर ना हो तो आज यूट्यूब पर बोलता हूँ, अगर गाय 10 लीटर दूध ना दे हाँ तो गाय वापस भेज देना, मैं पैसे। वेरी गुड जी, फुल चैलेंज, फुल एकदम होता ना वो। बिल्कुल जी भाई साहब, हाँ। वीडियो पर ये चीज बोल रहे हैं। हाँ जी, और जब ये बोलते हैं तो ये मैं भाई यही चीज बोलता हूँ, जुबान के विनोद जी, कोई अगर इधर वाले को जाए, फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड तो विनोद जी, फ्रॉड जैसे लोग क्या करते हैं, पैसे डलवा लेते हैं, हाँ जी 5,000 रुपए डलवा लेते हैं, बाद में गाय बेचते नहीं है। मैं पीछे वीडियो में ही बोला था, हाँ कोई भाई आज मेरी वीडियो लग रही है, मैंने ये 2 गौ माता दिखाई है, आप मेरे को 10 बार वीडियो कॉल करो। बिल्कुल सही बात है जी, 10 बार वीडियो कॉल बोलो योगी जी गाय दिखाओ, अगर गाय मेरे पास है 10 वीडियो में भी गाय मैं आपको दिखा पाता हूँ। बिल्कुल जी, तो आप पूरा विश्वास करो। हाँ अगर मैं बहाना मारूं सर जी, मैं तो दुकान पे हूँ, मैं मेडिकल पर है, मैं बुआ के पास है, तो समझ लेना वो तो 5,000 रुपए डालेगा। 5,000 रुपए आपके गए पानी? एक नंबर है, कोई 2 नंबर थोड़ी है। लगभग क्या क्या होता है, जैसे रास्ते के अंदर गाय ले जा रहे हो, हाँ जी अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ जी जैसे रास्ते के अंदर मिल जाते हैं, गोरक्षक मिल जाते हैं। देखो जी, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो कसूर है। हाँ बिल्कुल, वो गाय बेचने वाला कसूर है। कोई भी भाई को गाय दो वो ऐसे मत लोड करो। हाँ बिल्कुल, पूरा उसकी जो डॉक्यूमेंट प्रणाली है जितनी भी, जैसे सरकारी डॉक्टर की मोहर हो हाँ, या परमिशन हो, वो सारी उनके कंप्लीट करके देनी चाहिए। करके दे। बिल्कुल जी, वो पीछे की वीडियो देख बोलते हैं ये गाय खड़ी है, बोले हाँ ये खड़ी है, हाँ अच्छा तो ये गाय हमको चाहिए, वो गाय उसको भेज देते हैं। गाय तो कभी भी मालिक के पास गई, वो 2 बार 3 बार उस गाय को बेचते ही। बिल्कुल, ये चीज बहुत गलत है भाई साहब। हाँ जी, ये चीज तो इसी के कारण तो लोगों का विश्वास उठ गया। टोकन डालते हो उससे हाँ? पहले बोलो भी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, गाय दिखाओ। बिल्कुल, अगर वो जी। आपको गाय दिखाता है अगर तो गाय हाँ, उसके पास है। अगर आप नमस्कार भाई साहब। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल, और सभी जो यूट्यूब वाले भाई है सभी को नमस्कार। बिल्कुल जी, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बिल्कुल जी, और कमेंट के अंदर जय गो माता जरूर लिखें। बिल्कुल जी, और जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें जी। हाँ जी, तो भाई साहब आपकी जितनी भी डिटेल है बाद में लेंगे, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो। नाम है जी मेरा ओंकार योगी, और मेरा जो निवास स्थान है वो विलेज 10 ठाकरा वाली, और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, और स्टेट राजस्थान। स्टेट राजस्थान, हाँ जी। और गंगानगर से? गंगानगर से मात्र 9-10 किलोमीटर दूरी पे जी। 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर और बोल दो भाई साहब। कॉन्टेक्ट नंबर है जी 7268-26-207। ठीक है जी, भाई साहब ने जो नंबर बताया मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ जी। हाँ जी, किसी भी, ये जो नंबर है कभी भी आप किसी भी टाइम फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भाई साहब आज वीडियो में कितनी गाय दिखा रहे हो? विनोद जी अपने पशु हर वीडियो में कम ही दिखाते हैं, हाँ पर जो दिखाते हैं वो चीज दिखाते हैं। बिल्कुल सही अभी बात है। आज वीडियो में अपने 2 गौ माता दिखाएंगे, ठीक है, और एक ब्याई हुई है और एक प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी ये गौ माता है, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है विनोद जी, और साहीवाल नस्ल की फुल क्वालिटी है इसमें। कोई भी एंगल से बता दे भी साहीवाल नहीं है। नीचे जो सुंडी का आकार होता है वो देखो पूरे W के आकार में, बिल्कुल होता है वो पूरा मीडियम साइज, आगे पगों की ओर है, प्योरिटी होती है वो चीज है इसमें। बिल्कुल, हाँ जी। तो भाई साहब कई बार लोग ये कमेंट करके बोलते हैं कि भाई साहब जो भी आप दूध बताते हो, हाँ जी, उसकी फेट भी बताया करो कितनी देती है। देखो जी ये तो अंदाजे से बताने वाले, अभी मैं बता दूं सर जी 7 आज, ऐसे कोई फालतू हाँ, बात करने में कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, अभी इतने अपने घर पे कम से कम 70-80 पशु रहते हैं, उसमें 20-25 पशु दूध वाले भी होते हैं। हाँ, अलग अलग गाय की तो कोई फेट नहीं निकालता। बिल्कुल सही बात, फेंट अलग अलग आती है, किसी की 4 आती है, किसी की 5 भी आती है। अभी इस गौ माता भी घटा लो विनोद जी, आपको एक ही चीज बताता हूँ, इस गौ माता में सबसे बड़ी खासियत है लंबे टाइम दूध देने वाली। ठीक है जी, कल शाम को मैंने दूध निकाला है, आज सुबह दूध नहीं निकाला, आज ड्राई किया पूरा 1 महीने बाद भी आएगी। ठीक है जी, अब इसको ड्राई कर दिया, 1 महीने ड्राई किया, वो कल शाम तक दूध निकाल रहे थे, कल शाम तक 2.5 लीटर दूध निकाला है, आज सुबह मैं दूध निकालने वाला था, फिर अभी ड्राई कर दे, 1 महीना बाकी रहा इसका। ठीक है जी, 1 महीने से कम ही रहा, 2-4 दिन। अच्छा, और दूध कम से कम आपको बता दो 15 लीटर की तो अपनी गारंटी है, दूध तो देगी 17-18 लीटर, 15 लीटर की इस गाय की फुल गारंटी। और अभी कौन से ब्यांत में बहेगी? अभी सेकंड ब्यांत में बहेगी। अच्छा, सेकंड ब्यांत में बहेगी। हाँ जी, ठीक है जी। और क्योंकि फर्स्ट ब्यांत में 13-14 लीटर दूध निकालता रहा, अब की बार फिर 15 लीटर, 15 लीटर की अपनी गारंटी है, दूध तो 16-17 देगी आराम से। ठीक है जी। और सबसे बड़ी, कोई भाई बोलते हैं हम क्या इधर से दूध वाली गाय लेके आते हैं, उधर जाके दूध नहीं देती। अच्छा, आपको विश्वास वाले बंदे से गाय लो जो लगभग 15 या 20 दिन या 1 महीना बाकी हो, क्योंकि अगर दूध वाला पशु अपने लेके जाते हैं ना, हाँ, वहाँ का चारा पानी और जो निवास स्थान होता है वो सब चेंजिंग हो जाता है, गाय चेंजिंग हो जाता है। अपने खुद कोई नए स्थान पर जाते हैं तो अपना खुद का मन नहीं लगता 5-7 दिन। बिल्कुल सही बात, अपने है। साथ वाला नाम मिले इतने तक मन नहीं लगता। हाँ, तो गाय का ऐसा सिस्टम, सारा चीज चेंजिंग होने के बाद 15 दिन गाय मन नहीं लगाती, और वो 15 दिन ऐसा होता है दूध बढ़ने का टाइम। हाँ, जो भाई दूर गौ माता लेके जा रहे हैं ना, हाँ जी, वो सबसे बेस्ट है, वो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट गौ माता। बिल्कुल जी, अगर कोई नेड़े का है पंजाब का, हरियाणा का, वो गौ माता, क्योंकि पंजाब हरियाणा तो हमारे जैसा ही है।
हाँ बिल्कुल, उनका खान लोकल पीन जैसा ही हो गया। हाँ हमारे जैसा ही खान पीन है उनका, गाय का और सबका, हाँ तो जी वो ब्याई हुई गौ माता ले सकते हैं। और अगर कोई अन्य महाराष्ट्र को हरे अन्य जगह का है, थोड़ा दूर का हो, हाँ दूर का हो, तो वो प्रेग्नेंट गौ माता ले। और बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात है। बात है, आज ये गौ माता 1 महीना ले रही है, वो शाम को अपनी 6 गौ माता पूना के लिए आ रही है। अगर कोई भाई को जरूरत हो गाय की, तो ये गौ माता सेलेक्ट कर सकता है, मैं खुद भेज दूंगा। ठीक है हाँ जी। जी, और भाई साहब इसकी कीमत क्या कर रहे हो? कीमत विनोद जी ज्यादा मुंह पाड़ के पैसा नहीं मांगे, 48,000 रुपये में देंगे। ठीक है जी, 48,000 रुपये कीमत हाँ, है। 48,000 में देंगे। अच्छा गाय में अपनी वो बोलते हैं ना, सुनना है वो चीज है विनोद ठीक जी। है, तो थोड़ा चला के दिखा दोगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं चला के, दिखाएंगे। ये देखो भाई साहब सेकंड ब्यांत की गाय मिल रही है, साहीवाल नस्ल की। हाँ जी, और भाई साहब अडर, ऑर्डर भरेगी ना विनोद हाँ जी, खुद जो खरीदेगा ना, वो खुद बोलेगा वास्तव में ओमकार ने चीज दी थी। बिल्कुल सही बात हाँ है। जी, अगर जो भी महाराष्ट्र साइड के लोग हैं या जो दूर वाले लोग हैं, हाँ जी, वो पहली बात है भाई साहब ने ये चीज बोल दी कि 1 महीने कच्ची लिया करो गाय, कच्ची लिया, क्योंकि 1 महीने में जाके मन लगा मन लेती है लगा वो। लेती है। हाँ जी, और जब हम यहाँ से ब्याई हुई गाय खरीदते हैं, हाँ जी, वो क्या है, जैसे आप भाई साहब ने ये चीज बोल दिया, जो यहाँ का जो ये जो सिस्टम है वहां पर बदल जाता है, अलग हो जाता है हर ना? चीज चेंजिंग होती है, हर चीज चेंजिंग होती है हाँ विनोद जी। बिल्कुल जी। हाँ तो जी, इसमें क्या है कि जो पशु है दूध कम हो जाता है, तो लोग ये चीज बोलते हैं कि भाई साहब हमने गाय ली, हमको ठग लिया, ठग लिया, फ्रॉड कर लिया हमारे ठगता। साथ। देखो विनोद जी, दूध 14 की जगह होता है 12, लोग बोल 14 देते हैं, हाँ उसमें लीटर 2 लीटर का आगे पीछे फर्क होता है, बिल्कुल, पर इतना नहीं होता 16 की बोल के हमको 2 लीटर दिया। हाँ वो कमी अपनी भी होती है और अगले वाले की होती है। बिल्कुल जी, गाय खरीद रहा है तो उसको ये बोलो ना भाई, तू इतनी दूर सफर में, कम से कम महाराष्ट्र गाय जाती है 4थे दिन खाली होती है, हाँ बिल्कुल सही बात तीन है। दिन रास्ते में लगते हैं। हाँ लगते आ हैं। दूध वाली गाय है, इसको पूरा खुराक चाहिए दूध। हाँ वो वाली गाय को अगर 4 दिनों में पूरा खुराक नहीं मिला, तो वो 4 दिनों में तो गई गाय, और हाँ उधर जाने के 15 दिन बाद मन और नहीं लगा, पूरा 20 दिन हो गया। बिल्कुल और सही बात है। 20 दिन वो होते हैं जो गाय का दूध बढ़ने का टाइम होता है, वो हाँ 20 दिन चला गया, फिर गाय स्पष्ट नीचे आएगी। बिल्कुल सही हाँ बात जी, है। हाँ जी, तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई से यही चीज बोलता हूँ, लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ताजा ब्याई हुई गाय खरीदते हैं, हाँ जी। तो वो क्या होती है, जैसे सफर के अंदर जाती है तो परेशान हो जाती है गाय। और विनोद उसमें जी, क्या है, लोग फिर कमेंटों के अंदर चीज बोलते हैं, लोगों एक दूसरे को फोन भी करते हैं कि भाई साहब उसने तो मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। बिल्कुल जी, हाँ हाँ जी। और विनोद जी, सबसे बड़ी बात ये है, आपके चैनल पे वीडियो लगती है मेरी डेली, हाँ बिल्कुल, डेली लगती है। तो मेरी उम्र हुई लगभग 26 साल, हाँ जी अच्छा, 26 साल है। 26 साल, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो बात अलग है, हाँ जी अगर किसी ने वीडियो देखी है तो वो वहां से मन करेगा जरूर, एक बार मन में सोचा है भाई उसके पास जाके जरूर आएंगे। अच्छा जी, कुछ मेरे में चीज लगी, कुछ अच्छी चीज भेजी, तभी लोगों के मन में भी उसके पास जाके हैं एक बार। हाँ बिल्कुल सही बात हाँ है। जी, तो काम विनोद जी ऐसा करना है, अभी बेचने के मैं ही बोल दूं, भाई ब्याई हुई गाय आप हर जगह महाराष्ट्र कर्नाटक हर जगह ले जाओ, हाँ ब्याई हुई गाय लेकर जाओगे आप खराब ही हो गए, हाँ बिल्कुल सही स्पष्ट बात कही बात है। है। 4-5 दिन ट्रांसपोर्ट में लगते हैं, हम इधर से बोल देते हैं अभी ट्रांसपोर्ट वाला बंदा अच्छा रखाली करेगा, अच्छे खान पीन देगा, बिल्कुल सभी को पैसों से मतलब है, हाँ अपने गाय लोड कर दिया, अभी रास्ते में क्या पता कैसे वो पानी पी देगा, कैसा चारा देगा, कैसे दूध बिल्कुल सही निकाल, बात कही है ये तो। वो किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो इससे हाँ अच्छा है अब 8 महीने के डॉक्टर से प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ले, थनों की आप गारंटी लो हाँ बिल्कुल और प्रेगनेंट वाली गाय लेके जाओ। हाँ, जो भाई जैसे लंबे सफर के हाँ, लंबे उनके सफर के लिए, उनके लिए जैसे लोकल के, जैसे नहीं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, हजार किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्योंकि अगर इधर से 4 बजे शाम को लोड करें तो सुबह 10-11 बजे ब्याई हुई गाय खाली हो जाती है, खाली हो जाती इधर से है। दूध निकाल के लोड करते हैं, वहां जाके 10 बजे चाहे दूध निकाल लो, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र भेजेंगे 4 दिन गाय नहीं जाएगी, 4 दिन कौन हाँ दूध निकालेगा। वो जो लंबे सफर में जो ब्याई हुई गाय जाती है, उनमें अभी ये दिक्कत मेरी आती है। मेरी 5 गाय पुना के लिए डॉक्टर साहब के लिए, उन्होंने बोला मैं 2 गाय दूध वाली, मैंने जानबूझ के दी नहीं उनको दूध वाली, ठीक वो है, आपको एक बार बुरा अच्छा लगेगा। प्रेग्नेंट ही दी है। हाँ, मैं आपको एक बार बुरा लगेगा कि हाँ ओमकार ब्याई हुई गाय दूध क्यों नहीं दे रहा है, तो आगे जाके दूध देगी ना तब आपको पता लगेगा, बिल्कुल सही बात है जी। कतलो आप अपने हिसाब से दो, तो मैंने हिसाब से अपनी 5 गाय दिए। हाँ ठीक है जी जी, भाई साहब, अगली गाय को डिटेल दे दो। बिल्कुल, ये कौन सी नस्ल आ गई? ये है विनोद जी प्योर चोलिस्तानी राठी नस्ल, चोलिस्तानी गदरी राठी। प्योर चोलिस्तानी गदरी राठी ये नस्ल होती है विनोद अच्छा जी, प्योर इसे बोलते हैं। प्योर इसे बोलते हैं, और फर्स्ट टाइमर है, मुंह से 4 दांत है, और ये गौ माता खड़ी, अच्छा हिंदू धर्म में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसका 1% आप थनों की ओर जूम करके दिखाओ, 1% पायो दूध होता है ना, हाँ 250 ग्राम, हाँ वो ही दूध थनों में नहीं छोड़ा गया मेरा बिल्कुल पूरा पूरा। कोई भाई बोल दे अगर अडर में 1 पायो दूध है तो मैं गाय फ्री दे दूंगा, बिल्कुल भाई ना तो साहब, मैंने कभी दूध रोक के हाँ वीडियो रोक के बनाया। वीडियो बनानी नहीं हाँ चाहिए। जी, अभी विनोद जी लगभग टाइम क्या हुआ है, 11:17 हो गए, हाँ 11:17 सुबह का है, है 11:17, और बिल्कुल, गाय आपके सामने, कोई बता दे भी अडर में दूध है, अडर बिल्कुल फर्स्ट खाली किया टाइमर हुआ है। ब्याई है, पीछे बछड़ा है, ब्याई को आज 15 दिन हो गए। अच्छा बछड़ा है ये पीछे, हाँ जी,
मेरे को लग रहा है बछड़ी है ऐसे, स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था। बछड़ी होती तो विनोद जी कहना ही क्या था, जिस घर में जाएगी ना उस घर में लगेगा अभी वास्तव में एक चीज आई है। वेरी गुड जी। तो आज ब्याई को इसको 15-16 दिन हो गए और फर्स्ट टाइम रहा मुंह से चार दांत है और 10 लीटर दूध निकाल के दूंगा दोनों टाइम। अच्छा, हाँ जी, 10 लीटर दूध दे रही है फर्स्ट ब्याई। और विनोद जी मेरा तो बेचने का माध्यम है, देखो पशु की सेवा किसकी होती है, जो पशु अपने ऐसे मन में कर लेते हैं इस पशु को हम घर पे रखेंगे, हाँ हाँ, उसकी सेवा होती है ढंग से। बिल्कुल सही तो बात इस है। इस गौ माता को ना तो हमने अभी तक कोई गुड़ खिलाया ना कुछ और करवाया, अगर इसकी अच्छी सेवा करे तो 12-13 लीटर खुला आराम से दूध देगी। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखो भाई साहब फर्स्ट ब्यांत की बछड़ी मिल रही है आपको, फर्स्ट ब्यांत की बछड़ी, और भाई साहब ने 10 लीटर दूध बोला है। पूरा 10 लीटर विनोद जी निकाल के दूंगा। बिल्कुल जी, 10 लीटर दूध वो बात नहीं, अभी बता दिया दूध है नहीं, तो देखो बच्चे के लिए कैसे कर रही है। हाँ, बच्चे के देखो कैसे कर रही है। 15 दिन हो गए अभी तक तो बच्चे से ही पूरा मन नहीं भरा इसका। पीछे बछड़ा कितना प्यारा है भाई साहब। बछड़ा क्या है, अगर बछड़ी होती तो विनोद जी सेल ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल, प्योर थार पार्कर है। प्योर क्या है इससे तो प्योर कमल देखो कितना शानदार है बछड़े का। हाँ जी बिल्कुल जी, टॉप नहीं। कीमत भाई साहब? कीमत विनोद जी फर्स्ट टाइम रहा है, कीमत गाय के हिसाब से लेंगे 42,000 रुपए में गौ माता सेल करेंगे। ठीक है, 42,000 रुपये कीमत है। हाँ जी 42,000 रुपये, और 10 लीटर की अपनी गारंटी है, 10 लीटर दूध निकाल के देंगे। अच्छा, फुल गारंटी ले रहे हो। अगर 10 लीटर ना हो तो आज यूट्यूब पर बोलता हूँ, अगर गाय 10 लीटर दूध ना दे हाँ तो गाय वापस भेज देना, मैं पैसे। वेरी गुड जी, फुल चैलेंज, फुल एकदम होता ना। बिल्कुल जी भाई साहब, वीडियो पर यह चीज बोल रहे हैं। हाँ जी, और जब ये बोलते हैं तो ये मैं भाई यही चीज बोलता हूँ, जुबान के धनिया जी। कोई अगर इधर वाला ही कोई जानबूझ के फोन करवा कमेंट करवा दे तो बात अलग है। बिल्कुल जी, और अभी तक मेरे कोई कमेंट में कोई ऐसा नहीं है, अभी ओमकार ने पैसे रख लिए गाय नहीं बेच। हाँ बिल्कुल जी भाई साहब, ये करना भी नहीं चाहिए। दूध विनोद जी कोई दूध और पूर्व नसीब का होता है, लीटर डेढ़ लीटर ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो बात नहीं है भाई। हमने 16 बता दिया, आगे जाके 4 लीटर दे। बिल्कुल, 16 बता दिया तो आपको 14 तो पक्का ही देगी। हाँ, मैं तो भाई साहब यही चीज बोलता हूँ कि अगर आप गाय खरीद रहे हो, अगर आपसे कोई गाय खरीद रहा है, हाँ जी, तो उसे गाय भेजो, उसका पैसा मत खाओ। विनोद जी एक छोटी सी बात है। हाँ, आज हर किसान के पास कोई घर की जमीन नहीं होती, जमीन नहीं होती, वो उसका ठेके लेके भी बिजाई करता है, कोई कैसे भी पालन पोषण अपने परिवार का करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो कोई 40-45 हज़ार रुपए लगा के कोई गौ माता ले, हाँ, उसको अगर अच्छी गौ माता नहीं गई तो वो क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। वो उम्र भर मन में गालियां देगा। हाँ, और एक बात वो बोली है ना भाई, जो जमाने में बात चली होती है ना वो सच्ची होती है। हाँ जी, हराम की कमाई किसी को नहीं लगती। बिल्कुल जी। आज अभी मैंने गाय के ऊपर रख लो भाई 42,000 रुपए रखे हैं। हाँ, अगर गाय ने 10 लीटर दूध दिया तो वो मन को संतुष्टि है, संतुष्टि है। अगर गाय ने जाके 1 लीटर भी दूध नहीं दिया ना, हाँ, तो वो 42,000 रुपए विनोद जी आज ना तो 6 महीने बाद कहीं ना कहीं लगेंगे। वो आप इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हाँ, गलत तरीके से कमाया गया पैसा गलत तरीके में जाता है, गलत तरीके में जाता है। बिल्कुल जी। हाँ जी, लगभग ऐसा पैसा बीमारी के अंदर ही जाता है। बिल्कुल जी। और भाई साहब, अगर कोई भाई जैसे आपसे गाय खरीदता है, हाँ जी, अगर आपको उसने पैसा डाला है, हाँ जी, तो उसको गाय भेजो, गाय भेजो। अगर नहीं गाय भेज रही हो ना तो उसको स्पष्ट बोलो भी इतने दिन लोड नहीं हो रही। हाँ, ये चीज अभी देखो महाराष्ट्र हैदराबाद हर जगह गाय होता है ना, एक दो गाय पशु मंगाता है तो वो 5-7 दिन ज्वाइंट नहीं बनता और लोड नहीं होता। हाँ, उसमें भी इधर वालों का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, ज्वाइंट ना आपने तो वो अकेली गाय नहीं भेज सकता, अकेली गाय भेजे तो कम कम 60-70 हज़ार रुपये तो भाड़ा लगता है, खर्चा एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा खर्चा ट्रांसपोर्ट का है ना, वो अलग लगता है। तो आप हमारे इधर जो ट्रांसपोर्ट वाले ना, हाँ, आप उनका स्पष्ट नंबर ले लिया करो। ठीक है, आप बोल रहे हो भाई जॉइंट ने बनाया तो ट्रांसपोर्ट का नंबर दो, आप खुद ट्रांसपोर्ट से बात करो। हाँ, भाई सर गाड़ी निकल रही है कि नहीं निकल रही, उसी हिसाब से आप बातचीत करो। और अगर कोई ट्रांसपोर्ट वाला आपको बताता है अभी इस दिन गाड़ी निकलेगी तो आप घबराओ मत, आपकी गाय आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, इस जो कई बार लोगों के मन में रहता है कि भाई साहब हमारी गाय लोड नहीं हो रही है। अविनोद जी देखो, हाँ, कोई कस्टमर अनजान व्यक्ति अगर कोई गाय लेता है ना मेरे से, वो बार बार कॉल करता है योगी जी गाय कब भेज रहे हो, कब भेज रहे हो। हाँ, मैं डायरेक्ट उसको ट्रांसपोर्ट वाला नंबर दे देता हूँ, भाई ये ट्रांसपोर्ट वाला इसको कॉल कर, इस रूट की गाड़ी कब निकलेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर वो बोलते कल निकलेगी तो मैं कल लोड कर देता। हाँ, लगभग भाई साहब आजकल क्या हो रहा है। हाँ जी, जैसे हर जगह फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड तो विनोद जी, फ्रॉड जैसे लोग क्या करते हैं, पैसे डलवा लेते हैं। हाँ जी, 5-5 हज़ार रुपए डलवा लेते हैं, बाद में गाय भेजते नहीं है। मैं पीछे वीडियो में ही बोला था। हाँ, कोई भाई आज मेरी वीडियो लग रही है, मैंने ये दो गौ माता दिखाई है, आप मेरे को 10 बार वीडियो कॉल करो। बिल्कुल सही बात है जी, 10 बार वीडियो कॉल बोलो योगी जी गाय दिखाओ, अगर गाय मेरे पास है 10 वीडियो में भी गाय मैं आपको दिखा पाता हूँ। बिल्कुल जी, तो आप पूरा विश्वास करो। हाँ, अगर मैं बहाना मारूं सर जी मैं तो दुकान पे हूँ, मैं मेडिकल पे रहे, मैं बुआ के पास है, तो समझ लेना वो तो 5,000 रुपए डालेगा, 5,000 रुपए आपके गए पानी में। पानी बिल्कुल। लोग आजकल क्या है, जैसे ऐसे गाय चल रही है उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं। ये देखो भाई साहब गाय इतने की आपको दे रहा हूँ और गाय होती नहीं है। एक विनोद जी छोटी सी बात और है। हाँ,
जैसे आज मेरी 2 महीने पहले वीडियो लगी, अगर कोई नया कस्टमर वो वीडियो देखता है वो मेरे को कॉल करता है, योगी जी गाय खड़ी है, वो पीछे की वीडियो देख बोलते है ये गाय खड़ी है, बोले हाँ ये खड़ी है, अच्छा तो ये गाय हमको चाहिए, वो गाय उसको भेज देते हैं। गाय तो कभी भी मालिक के पास गई वो 2 बार 3 बार उस गाय को भेजते ही, बिल्कुल ये चीज बहुत गलत है भाई साहब। हाँ जी ये चीज तो इसी के कारण तो लोगों का विश्वास उठ गया। टोकन डालते हो उससे पहले बोलो भी वीडियो कॉल कर रहा हूँ गाय दिखाओ, बिल्कुल अगर वो आपको गाय दिखाता है अगर तो गाय उसके पास है। अगर आपसे कोई गाय खरीद रही है जैसे आपने ये गाय पसंद कर ली, चौलिस्तानी पसंद कर ली, हाँ जी, तो आप उनका नाची को फोन करो कि भाई साहब पहले वीडियो कॉल पर उस गाय को चेक कराओ। हाँ जी बिल्कुल जी चेक कराओ उसकी जो भी ये चीज चेक करो, उसके बाद में उसके पैसे डालो, पैसे बाद में डालो बिल्कुल पहले। और इनका यही सिस्टम रहता है जैसे आपने इनकी 5,000 रुपया जैसे आपने टोकन मनी डाल दी तो गाय आपकी बुक हो जाती है। हाँ बुक हो जाती है। और जो बाकी पेमेंट होती है जैसे गाय लोड होती है, हाँ जी, तो आपको वीडियो कॉल करके बकायदा दिखा देते हैं, दिखा देते हैं कि हाँ भाई साहब आपकी गाय लोड हो रही है और इतने दिनों में आ जाएगी, इतने दिनों में आ जाएगी बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट का है वो भी आपको अच्छी तरह बना के देते हैं बिल्कुल, कोई 1% की दिक्कत नहीं आती। हाँ जब यहाँ से गाय लोड होती है ना, हाँ हाँ, तो 1% की टेंशन मत लेना, पूरा उसका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक है, मैंने बेची है, आपने खरीदी है, दुधारू पशु है इसलिए जा रहा है, रास्ते में 1% की आप, मैंने अभी तक गाय बेची है ना, तो सामने वाली पार्टी को नहीं फोन किया आपकी गाय ने किसी ने रोक ली, अगर कोई रोकता है तो मैं आप स्पष्ट बात कर लेता हूँ, क्या बात है मेरा पशु 1 नंबर है, कोई 2 नंबर थोड़ी है। लगभग क्या क्या होता है जैसे रास्ते के अंदर गाय ले जा रही हो, हाँ जी, अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ जी, जैसे रास्ते के अंदर मिल जाते हैं गोरक्षक मिल जाते हैं, देखो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो कसूर है। हाँ बिल्कुल वो गाय बेचने वाला कसूर है, कोई भी भाई को गाय दो वो ऐसे मत लोड करो। हाँ बिल्कुल पूरा उसकी जो डॉक्यूमेंट प्रणाली है जितनी भी जैसे सरकारी डॉक्टर की मोहर हो या परमिशन हो वो सारी उनकी कंप्लीट करके देनी चाहिए, करके दें बिल्कुल जी। हाँ जी और भाई साहब ओंकारनाथ जी आपको ये सारी कंप्लीट करके देंगे। और विनोद जी एक बात सबसे बड़ी बताऊं, भूल जाता हूं, मैं बता देता हूं, हाँ अभी अपने राजस्थान में बारिश हो गई, बारिश ठंड होगी, कोई भी कष्ट देखो बारिश, हाँ राजस्थान में फुल बारिश है, अभी इतना गर्मी नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हो, बिल्कुल अभी कोई भी भाई कहीं से भी हो वो राजस्थान में आ सकता है अभी पूरा ठंड रहेगा, बिल्कुल मौसम बहुत सुहाना है, हाँ जी ठंडा हो चुका है, बारिश हो चुकी है, हाँ जी, ऐसे मत सोचना कि यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो मतलब मेरे को लगा टेम्परेचर थोड़ा गिरा होगा, अभी तो शिमला बना हुआ है, शिमला बना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल नॉर्मल, और आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो विनोद जी, और चीज और नगीने से दिलाऊंगा आप जिंदगी भर याद रखोगे, याद रखोगे जी बिल्कुल। हाँ जी एक मैंने 2-3 बार बात सुन ली और मैंने देखा भी है, तो कोई भाई मेरे बारे में बोल रहे हैं ये दलाल है, इसके पास गाय नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। हाँ। मेरी वीडियो इस जगह पे लगती है बिल्कुल, आप इस जगह का निशान बना के स्क्रीनशॉट आपके पास ले आके हाँ। और मेरे पास आ जाओ बिल्कुल जी, अगर आपको इस जगह पर आके अगर आपको मेरे पास कम से कम 100 गाय के करीब गाय ना मिले हाँ। तो आप बोलना भी होगी जी आप तो झूठ फ्रॉड वीडियो लगाते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरी कोई खरीदी हुई नहीं है विनोद जी, घर की गाय तैयार की हुई, खुद की ब्रीड तैयार करते हैं खुद की, अगर आप यहाँ आके गाय और बच्चे देखोगे ना तो आप जिंदगी में कभी किसी और के पास नहीं जाओगे, बिल्कुल ये मेरा वादा है अगले से। हाँ ये तो बात सही है भाई साहब के पास ब्रीडिंग वाली सही वाले की टॉप की गाय मिलती है। विनोद जी आज इस माध्यम से देख लो हाँ। कोई भी भाई वीडियो लगाता है सूट बूट पहन के लगाता है हाँ। पहले दिन का पूरा काम किया बिल्कुल, फिर आपको बुलाया हाँ। तो आपके सामने स्पष्ट सीधा आम आदमी की तरह खड़े हो गए, बिल्कुल सही बात है, अपने को ईमानदारी से काम करना है उसमें सप्लाई का क्या काम है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, हमने आपको डिटेल बता दिया, जो डिटेल है वो आपको हमने बता दिया बिल्कुल सही आगे बात है। उस डिटेल पे गाय खरी उतरेगी। हाँ हाँ जी चलो ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली वीडियो में बिल्कुल और इससे भी टॉप गायों के साथ, टॉप गायों के साथ। जय गो माता, जय गोपाल।